छपन सेवक भी तू संग है लाया। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। दोनों हरते ताप को उनका सम प्रताप, एक हरत तन ताप को दूसर मन का ताप। नियम विधाता का पर ऐसा, काल रहे ना एक सा जैसा। पूर्ण चांद भी अस्त हो जाए, अंधकार जगती में छाए। भयंकर काल विधाता लाया, भूखा चांद अस्त हो पाया। भक्तन मन अंधेरा छाया, क्या भया को जान ना पाया। एक बात सेवक कह पाया, अपने मन का भाव जताया। और विनय मन ही मन कीनी, राम प्रभु ज्योति सुन लेनी। हे प्रभु यही विनय पुकार, कृपा कर कर लो स्वीकार। व्योम में चमके जब तक चांद, अमर रहे यह भूखा चांद। चंद्र तेरे संग था आया, सेवक भी तू संग है लाया। और अनेकों तेरे दास, राखो जिनको अपने पास। ऐसा ही एक दास तव, जिसका करूं बखान। सफल किया नर देह को, रहे सदा तव ध्यान। मालागढ़ में वह उपजाया, शिव दयाल पांडे घर आया। नारायणी थी मात सुभागी, प्रभु भक्ति में रहत वह पागी। था रघुनाथ बालक का नाम, जिसने करना था बहु काम। 3 वर्ष की जब आयु भई, माता स्वर्गवासी हो गई। उच्च कुल में तो था उपजाया, देव वश सुख वह लेश ना पाया। 8-10 वर्ष का था जब बाल, ग्रसा पिता को भी तब काल। भाई बहन भी स्वर्ग सिधारे, मन में तब रघुनाथ विचारे। जीवन का है क्या विश्वास, निकल जाए यह पल में श्वास। किस हेतु है देह यह धारा, अब से करूं मैं यही विचारा। ज्ञान गुरु से सदा जन पाए, ऐसा गुरु किस जा मिल पाए। त्याग जगत के सारे काम,
खोजूं मैं अब गुरु का धाम। देश देशांतर भटका गुरु का खोजनहार, गुरु पाया रघुनाथ ना भया निराश अपार। दृढ़ संकल्पी बाल था दृढ़तम केन संकल्प, जो गुरु मिले नामास इस जीवों काल न अल्प। मासांत में छलांग लगाऊं गंगा माँ की गोद समाऊं, रह अज्ञानी जीना व्यर्थ दूसर भव गुरु पाऊं समर्थ। चित्त में धार विचार अगाध व्रत चंद्रायण लीना साध। मासांत काल जब आया पास पूजी नहीं फिर भी जब आस। मासांत मैं छलांग लगाऊं गंगा माँ की गोद समाऊं, रह अज्ञानी जीना व्यर्थ दूसर भव गुरु पाऊं समर्थ। चित्त में धार विचार अगाध व्रत चंद्रायण लीना साध। मासांत काल जब आया पास पूजी नहीं फिर भी जब आस। खड़ा भया वह गंग के तीर फेंकने को निज गंग शरीर। प्रकटे द्यू में तभी भगवान करने को निज बाल का त्राण। दिव्य ध्वनि से नाथ पुकारा हे बालक मत बन हत्यारा, मैं तुझे निज संग हूँ लाया प्रकटा अब तुझ पर कर दाया। मेरे धाम अभी चले जाओ ऋषिकेश जाकर रह पाओ। नभ की ध्वनि स्पष्ट थी चौंका सुन रघुनाथ, बैठ गया मुख मोड़ वह कहा धन्य तुम नाथ। की पूरी मम साध तुम पाया गुरु भगवान, शिरोधार्य तव वचन कर अभी करूं प्रस्थान। रघुनाथ चला ऋषिकेश की ओर, ढूंढे जा सदगुरु का ठोर। स्थान वहां उस जा बहु देखे सदगुरु का तो चिन्ह ना पेखे। निराश भया वह जब रघुनाथ, कीन कृपा तब सदगुरुनाथ। अपना भेद बताया आप गुरु कृपा बिन ना होत मिलाप। प्रभु ने प्रेरा आश्रम और योग का आश्रम था जिस ठोर।
योग साधन आश्रम में आए, भीतर एक आकर्षण पाए। भीतर जा उस मूरत देखी, राम प्रभु की प्रतिमा पेखी। जान लिया यह वही भगवान, काशी में जिनकी ना त्राण। आते नहीं यदि वे उस काल, मैं समाता काल की गाल। मिलूं कहां अब इनको जाए, प्रकट जिज्ञासा वह कर पाए। प्रभु का सेवक था खड़ा, उससे कीन सवाल। क्या मुझे बतलाओगे, किन का यह आकार। कहां मिलूं मैं जाय कर, है किधर आवास। आया हूं मैं दूर से, इनको मिलने खास। प्रेम सहित भक्त कह पाया, तुमसे मैं हूं जो सुन पाया। उसका उत्तर मैं दे पाऊं, बात संपूर्ण मैं समझाऊं। ये हैं राम लाल भगवान, वनों में कीना इन प्रस्थान। मुलख राज इनका प्रतिरूप, रखते निज को जो हैं गूप। उनका है इस काल निवास, छेरटा आश्रम में ही खास। उनको मिल सब खुलेगा भेद, और मिटे तब मन का खेद। अमृत सर प्रथम जा पाओ, फिर छेरटे को चली जाओ। रेल स्टेशन के ही पास, प्रभु का आश्रम बना है खास। सेवक की सुन बात को, चल पड़ा रघुनाथ। उसके मन प्रतीत थी, बुला रहे हैं नाथ। धाम छेरटा जा उस देख, संतोष भया उस मन विशेष। मुलख राज के दर्शन कीन, कर दंडौत उस आशीष लीन। मुलख राज है राम का रूप, उस पहचानी बात यह गूप। मुलख राज ने वहीं ठहराए, सेवा कारज में दिया लगाए। रहे वहां सेवा भक्ति लीन, रघुनाथ वहां था सुखासीन। सीखा उसने योगाभ्यास, मुलख राज के रह कर पास। नेति धोती आसन सारे, उसने सिद्ध सभी कर डारे। सेवा एक भई उपकारी, पढ़ता था जो डाक वह सारी।
मुलख राज को पत्र सुनाता, उत्तर भी वह ही लिख पाता। अनुभव भक्तों के जो खास, ज्ञान मिला उसे रह कर पास। भक्त जनों के ध्यान को पढ़ पढ़ कर रघुनाथ, चित जमी उस बात यहा, हैं प्रभु आदिनाथ। राम प्रभु को उस पहचान, शिव का रूप राम को मान। ईष्ट रूप वह शिव को ध्याता, राम उसे शिव में दिख पाता। प्रभु की प्रतिमा लगती प्यारी, पाए गुरु उसने पापारी। राम को ही वह गुरु कर माने, ईष्ट राम को ही पहचाने। राम था उसका भोलेनाथ, पुकारत राम को वह कहनाथ। दिन रात वह प्रभु को ध्याए, श्रद्धा से दंडौत कर पाए। उसकी मस्ती को जो देखे, भक्त शिरोमन उसे उल्लेखे। मुलख राज की कृपा पाए, अनुभव उसने बहु कर पाए। उस मस्ती के मध्य में सुनी राम की बात, लला तुझे अब ले चलें ग्राम सवाई तात। मस्ती के ही मध्य में आ गया वह ग्राम, बाग गुरु के जाय कर देखी प्रतिमा राम। गिरा वहां पर आय कर, समाधि में होलीन। भक्त शिरोमन आ गया, लीना सब जन चीन। आए चंद्र मोहन जी, लीना कंठ लगाए। दो भक्तों का मिलन यहा, देखन बहुत सुहाए। चंद्र मोहन को मिला सहाय, मित्र रूप वह वहां रह पाए। प्रभु का कार्य करें वे दोए, सीखे योग जो आवे कोए। कई वर्ष उस वहां गुजारे, लागे सेव भक्ति में सारे। आश्रम का बहु रूप संवारा, गाँव गाँव जा योग प्रचारा। कठिन साधना में मन दीन, व्रत उपवास उस बहुविध कीन। देह से उसको भया विराग, वस्त्रों को उस दीना त्याग। टाट का टुकड़ा तन लपेट, नांगी पृथ्वी रहता लेट। बाबा टाट भया प्रसिद्ध,
जनता माने उसको सिद्ध। जनता ने बहु दीना मान, नहीं हो अभिमान। क्रोध काम मद लोभ जो, शत्रु जो अहंकार। योगी का धन लूट लें, ऐसे ये बदकार। रघुनाथ को था योग प्यारा, प्रभु जी का था उसे सहारा। अपना लाभ इसी में जाना, स्वाई छोड़ वह हुआ रवाना। जग के मान से रह कर दूर, प्रभु भक्ति में रह कर चूर। साधन योग सदा कर पाए, मानव जीवन सफल बनाए। ऐसा कौन स्थान वह होए, परम शांति को चित्त जहां गोए। जहां हो सत्पुरुषों का वास, परंपरागत भी जो खास। मायावी जन जहां ना होए, तीर्थ थल भी जहां बहु सोहे। ऐसा थल कहां मिल पाए, भक्ति बिना कुछ नजर न आए। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम